हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं विदा V1 प्रो 2024 की लेटेस्ट मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये गाड़ी आपको अवेलेबल है यूएस अग्रवाल एंड कंपनी हीरो सीग्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, आप वहां से जाके बात कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे की देख सकते हो, आपको फोब की के साथ में गाड़ी देखने मिल जाती है। इसमें आपको तीन स्विचेस देखने मिल जाते हैं या बटन आप कह सकते हो। इसे आप कहीं भी गाड़ी आपकी पार्क करते नहीं पता चल रही, आप इसे यहाँ पर क्लिक करोगे इस बटन को तो गाड़ी आपकी यहाँ पर आवाज़ करेगी, साउंड करते के साथ में यहाँ पर लाइटिंग चलता हुआ देखने मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बटन से आप अपने मेन हेडलाइट को भी ऑन कर सकते हो। एक की से आप बटन से आप इसे ऑन कर सकते हो सिंपली। ये की जो है इसकी की क्या फंक्शन है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि फोब की दिया हुआ है इसमें तो आपको सारा कुछ यहीं से कंट्रोल हो जा रहा है। बट इसमें की कहाँ पर लगती है मैं सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ, और इसकी प्राइसिंग, इसकी स्पेसिफिकेशन सारा कुछ गाइस। वीडियो अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाए ताकि मैं कोई भी नया अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को सबसे पहले इग्निशन की ऑन करता हूँ। नीचे में आपको यहाँ पर स्विच एक है, गाड़ी को आप सिंपली आप यहाँ से क्लिक करते हो, गाड़ी आपकी ऑन हो जाती है। तो सिंपल थोड़ी सी इसमें मैं आपको कुछ कुछ फीचर्स इसके बता देने वाला हूँ। सिंपली देख सकते हो आप यहाँ पर, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने में आता है। 7 इंचेस की TFT आपको डिस्प्ले यहाँ पर देखने मिल जाती है। वहीं अगर बात करो इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, नेविगेशन भी आपको देखने मिल जाता है, सारा कुछ इसमें मिल जाता है। ओके, स्पोर्ट मोड में कितनी आपको रेंज मिल जाती है, इको में कितनी मिल जाती है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको गाड़ी को स्टार्ट करना, स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्ट मोड में आपको 54 किलोमीटर का एवरेज देखने को मिल जा रहा है। इसमें अगर बात करें गाइस तो यहाँ से मोड की बटन को आप क्लिक करके ऑपरेट कर सकते हो, या तो फिर आप देखो सबसे पहले मैं साइड हैंडल बार की बात करूँ तो SOS बटन, यहाँ पर किल स्विच का ऑप्शन देखने मिल जाता है गाइस। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, किल स्विच ऑन हो जाता है, यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स गियर का ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का एक ऑप्शन मिल जाती है, और आप गाड़ी कहीं पे भी गाड़ी आपकी आप क्रूज कंट्रोल आप कर सकते हो। ठीक है, वहीं आप देखने को मिल जाती है एक स्टार्ट बटन, इसे स्टार्ट करते हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। लेफ्ट हैंडल बार में यहाँ पर आप देख सकते हो आप ऑन एंड डाउन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जाने के बाद में सारे मेन्यू आप यहाँ से फिंगर से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और बटन से भी 1000 स्विच, फिर यहाँ पे ब्लिंकर टर्न कर सकते हो यहाँ से, और प्लस वहीं देख सकते हो गाइस यहीं पे आपको देखने मिल जाती है एक हॉर्न की बटन देखने को मिल रही है। वहीं गाइस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है टच स्क्रीन वाली, जैसे कि आप यहाँ पर टच कर सकते हैं, आप स्पोर्ट इको सारा मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो सारे मोड जितने भी मोड है उसमें आपको रेंज क्या मिल जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर अभी स्पोर्ट मोड है तो गाड़ी को सबसे पहले मैं ऑन किया, यहाँ पे स्पोर्ट देख रहा है, स्पोर्ट में आपको यहाँ पे 54 किलोमीटर का रेंज, कस्टम में भी 54 किलोमीटर का आपको रेंज देखने को मिल जाती है। फिर वहीं पे आप देख सकते हो इको में 82 किलोमीटर की रेंज, और राइड में आपको 61 किलोमीटर की रेंज, और वहीं पे आप देख सकते हो फिर से स्पोर्ट में 54 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलती है। दो बैटरी इसमें लगी हुई है, दोनों बैटरी की अगर मैं बताऊँ तो लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया इस स्कूटर में। वहीं आप इसे घर में भी चार्ज कर सकते हो, और कहीं पर जहाँ पर इसकी चार्जिंग पॉइंट लगी हुई है वहाँ से भी आप इसे चार्ज कर सकते हो गाइस। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बटन मिल जाती है मोड की बटन, तो आप मोड को अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे भी आपको बटन से भी यहाँ पे सारा मोड आपका चेंज होता हुआ देखने को मिल जाता है गाइस। ओके, वहीं आप देख सकते हो एक स्विच यहाँ पर आप देखो देखने मिल जाती है अप एंड डाउन, यहाँ पर आप कर सकते हो मतलब पासिंग की। ठीक है, अपर डिपर और पासिंग एक ही में आपको देखने को मिल जाती है गाइस। वहीं अगर बात करूँ अगर मैं इसकी, आपको SOS का भी अलर्ट देखने को मिल जाता है, 3 नंबर आप किसी के भी डाल के आप रख सकते हो, अलर्ट आपको उसी नंबर पे चली जाएगी। LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाती है, फ्रंट में वाइजर आप देख सकते हो ब्लैक कलर में, और वहीं पे आपके फ्रंट से आप इसकी लुक किस इस तरीके की देखने को मिल जाती है गाइस। विदा का लोगो प्लस यहाँ पे नंबर पंचिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करो गाइस तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाती है DRLs के साथ में, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी अच्छी लाइट प्रोड्यूस करते हैं गाइस। ओके, यहीं पर आप देख सकते हो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और इसकी अगर बात करो गाइस सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि अगर बात करें इसकी सस्पेंशन साइज की तो 31 mm की इसकी सस्पेंशन साइज आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सिंगल हॉर्न के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, और हॉर्न भी काफ़ी इसकी अच्छी प्रोड्यूस है। वहीं पर आप देख सकते हो इसकी मडगार्ड भी काफ़ी अच्छी है। अगर टायर सेक्शन की बात करूँ गाइस तो मैं आपको दूसरे साइड से दिखा देता हूँ, क्योंकि इधर में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आपको नहीं देखने मिल रहे हैं। ये अगर बात करूँ टायर सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको 190 mm का डिस्क देखने मिल जा रहा है। भाई 90-90-12 का आपको टायर देखने मिल जाता है। बाइब्रे का यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने मिल जाती है गाइस। सिंगल चैनल ABS के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है स्कूटर, जो ये काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी देख सकते हो, 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है।
वहीं अगर गाइज इसकी अगर साइड से प्रोफाइल की अगर बात करो तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर कुछ रेट करके आपको यहाँ से साइड देखने मिल जाती है। वहीं आप रेयर से इसकी व्यू देखो, रेयर से व्यू आपको देखने को कुछ अच्छी मिल जाती है। यहीं पे आप देख सकते हो ग्रेवरल आपको फुली मेटल में ये ग्रेवल देखने मिल जाती है। स्प्लिट सीट आप इसे कह सकते हो जो कि सिंगल सीट का ही है। स्प्लिट आपको यहाँ पर मतलब ये इसकी डिज़ाइन की गई है गाइस, ठीक है। टेल लैंप आप देख सकते हो विदा का, फिर से यहीं पे आप इलेक्ट्रिक एलईडी इंडिकेटर्स देखने मिल जाती है। पार्किंग लाइट यहीं पे आपको देखने मिल जाता है। मूव अच्छे तरीके से इसके इंडिकेटर्स को कर सकते हो। V1 Pro का यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक अच्छा सा 3D में लोगो देखने मिल जाती है। मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ रेयर में आपको देखने मिल जाती है गाइस, और रेयर में ही आपको यहाँ पर इसकी मशीन्स देखने मिल जाती है। गाड़ी जब लगी स्टार्ट मतलब कि गाड़ी जब इसे अच्छे तरीके से इसे फिट किया जा रहा है तो यहाँ पे लेडीज फुटरेस का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस। वहीं आप इसकी 190/17 का आपको 12 का आपको रेयर टायर देखने मिल जाती है। वहीं आप इसे बटन से भी इसे बूट स्पेस को आप ऑन कर सकते हो इसकी, और यहाँ पर एक स्विच है आप उसे भी दाब करके यहाँ से प्रेस करोगे तो यहाँ से आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसे बटन से खोलता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये खुल जाती है हमारी जो बूट स्पेस है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बूट स्पेस इसकी कितनी अच्छी है। प्लस आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने सामान वगैरह सारा कुछ रख करके आप अच्छे तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हो गाइस। 36 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने मिल जाती है। डबल बैटरी, दो बैटरी इसमें मिलती है गाइस। आप सिंगल भी इसे चार्ज कर सकते हो और डबल भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। सिंगल बैटरी पे भी गाड़ी चलती है और डबल पे भी चलती है। यहाँ पे आप जस्ट इसे यहाँ से उठाओगे, देखो यहाँ पे दोनों बैटरी लगी हुई है अलग अलग। जैसे जैसे यहाँ पर इसे पकड़ करके आप उठाओगे तो गाड़ी बैटरी अलग हो जाएगी। आप इसे निकाल कर घर में ले आकर के अच्छे से चार्ज भी कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट इसकी देखने को मिल जाती है, चार्जिंग सॉकेट आप इसे कह सकते हो। यहाँ से आप चार्ज में लगाओगे इसे तो दोनों की दोनों एक साथ में ये चार्ज हो जाती है सिंपली। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करो गाइस तो 94,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। 121,000 इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको US अग्रवाल एंड कंपनी हीरो सिग्रा वाराणसी में आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलती है गाइस। तो यही इसके मेन की का यही फंक्शन था इसका। वहीं पे आप इसकी बूट स्पेस देख लो अच्छे तरीके से कि आपको स्पेस इसमें कितना मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख लो बहुत सारे फीचर्स जो हैं मैंने इसमें आपको बताए कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगेज का भी आपको अच्छा सा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। सिलेंडर वगैरह आप अच्छे तरीके से इसमें ले जा सकते हो, ठीक है। साइड स्टैंड कट ऑफ का भी इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें तो इसमें की लगती है तो गाड़ी बंद कैसे होती है, तो जस्ट गाड़ी आप जब खड़ा करते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक तुरंत बंद हो जाती है। अगर आपके पास में की नहीं रहेगा तो गाड़ी आपकी ऑन नहीं होगी और इसे कोई ले जा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस इसकी दो कलर है, एक ब्लैक में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पे एक रेड कलर आपको देखने को मिल जाती है जो कि जो दोनों अवेलेबल थी तो मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।